चलिए तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2019 के बारे में। 1 सितंबर 2019 द्वारा किस मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन कानून 2019 लागू किया गया? तो यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब। ठीक है, अगला, 1 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति द्वारा कहाँ भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में चेर लो ली राम रापुरु के बीच है। अगला, 1 सितंबर 2019 को T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए श्रीलंका के लसिथ मलिंगा। अगला है, 2 सितंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन किया है दिल्ली में। अगला है, 2 सितंबर 2019 को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नवरने ने। अगला है हमारा, 2 सितंबर 2019 को इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बना है? तो है बोर्नियो द्वीप। अगला है, 2 सितंबर 2019 को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2018 के 28वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया? डॉक्टर के शिवा रेड्डी। अगला है हमारा, 2 से 13 सितंबर 2019 तक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में, भारत में। ठीक है, अगला है, 2 सितंबर 2019 का सेफ अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत ने नेपाल को हराकर। अगला है, 3 सितंबर 2019 को चौथा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? माले में, मालदीव में। अगला है, 3 सितंबर 2019 को किस महिला क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मैताली राज ने। अगला है, 3 सितंबर 2019 को किस देश द्वारा निर्मित 8AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया? अमेरिका। अगला है, 3 सितंबर 2019 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न ISS शूटिंग विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में कितने पदक के साथ भारत सबसे ऊपर रहा? 9, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 2 कांस्य। अगला है, 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में कहाँ आयोजित की? रूस के व्लादी वोस्तोक में। अगला है, 4 सितंबर 2019 को जारी एक्सोस की खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें पे। अगला है, 4 सितंबर 2019 को किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारतीय गेंदों के संरक्षण के लिए रोहित फोर हेनोस अभियान शुरू किया है? रोहित शर्मा द्वारा। अगला है, 4 सितंबर 2019 को लिसेथो में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? जयदीप सरकार को। अगला है, 5 सितंबर 2019 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने किस वर्ष तक चेचक और खसरा को खत्म करने के लक्ष्य को लेकर एक साथ काम करने का फैसला किया है? तो वर्ष 2023 तक। अगला है, 5 सितंबर 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना युद्धाभ्यास 2019 वॉशिंगटन के ज्वाइंट बेस लेविस मैकार्ड में शुरू हुआ है? तो अमेरिका। अगला है हमारा, 5 सितंबर 2019 को वैक थ्यू पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है से सम्मानित किया गया? ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने वाले वैज्ञानिकों को। अगला है, 6 सितंबर 2019 को जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा? 34वें। अगला है, 6 सितंबर 2019 को अब तक के सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन बन गए? तो हैं अफगानिस्तान के लेग स्पिनर रशीद खान। अगला है, 6 सितंबर 2019 को रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो है मनु भास्कर और सौरभ चौधरी ने। अगला है, 6 सितंबर 2019 को रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है कि वे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिम्बाब्वे। अगला है, 6 सितंबर 2019 को स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का पुरस्कार किसने जीता है? जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी को। अगला है, 7 से 14 सितंबर 2019 के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन किन दो देशों के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया? तो भारत और श्रीलंका। अगला है हमारा,
7 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल कर लिया? 8 करोड़। अगला है, 7 सितंबर 2019 को किस बॉलीवुड अभिनेत्रा एवं अभिनेता एवं डांस मास्टर का निधन हो गया? तो है वीरू कृष्णन। अगला है, 7 सितंबर 2019 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा। अगला है, 7 सितंबर 2019 को नॉर्वे में अगला भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो बी बाला भास्कर को। अगला है, 7 सितंबर 2019 को प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चयनित किया गया? विजय कुमार चोपड़ा। अगला है, 7 सितंबर 2019 को कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद सुखदेव सिंह लीवा का निधन हो गया? वे किस लोकसभा के सदस्य थे? 14वीं और 15वीं। अगला है, 7 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के किस दिग्गज लेग स्पिनर का निधन हो गया? तो है अब्दुल कादिर। अगला है, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने का निर्धारण प्रक्रिया में कितना किलोमीटर की दूरी पर लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया? तो है 2.1 किलोमीटर। अगला है हमारा, 8 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ वकील का निधन हो गया? तो है राम जेठमलानी। अगला है हमारा, 8 सितंबर 2019 को की गई घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए खर्च करेगी? तो 3.5 लाख करोड़ रुपए। अगला है हमारा, 8 सितंबर 2019 को यूएस ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बियांका एंड्रीस्कू कनाडा ने। अगला है, 8 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? अगला है एयर लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेजिंग। अगला है हमारा, 8 सितंबर 2019 को यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। अगला है, 8 सितंबर 2019 को बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास TSENTR 2019 कहाँ शुरू हुआ? रूस के ओरेनबर्ग स्थित डोंगोज प्रशिक्षण रेंज में। अगला है, 9 सितंबर 2019 को पूर्वोत्तर परिषद का 68वां पूर्ण सत्र कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में। अगला है, 9 सितंबर 2019 को क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है? तो इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराया था। अगला है, 9 सितंबर 2019 को किस तूफान ने जापान के टोक्यो शहर में भारी तबाही की है? तो फेक्साई तूफान ने। अगला है, 9 से 12 सितंबर 2019 के बीच 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन हुआ है? तो अबू धाबी में। अगला है, 9 सितंबर 2019 को इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। अगला, 10 सितंबर 2019 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान स्थान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। अगला है हमारा, 10 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला है, 10 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना रखी है? तो वर्ष 2022। अगला है, 10 सितंबर 2019 को माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार। अगला है, 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? पीके सिन्हा को। अगला है, 11 सितंबर 2019 को किस तमिल फिल्म निदेशक का निधन हो गया? तो है राजा शेखर। अगला है, 11 सितंबर 2019 को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? विक्रमनाथ जी। अगला है, 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला है, 11 सितंबर 2019 को 2019 एशिया पैसिफिक गोल्ड हॉल ऑफ फेम में किसने शामिल किया? हीरो मोटो कॉर्प के प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल। अगला है, 11 सितंबर 2019 को पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून उत्तराखंड में। अगला है, 11 सितंबर 2019 को वर्ष 2020 के लिए जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको संयुक्त रूप से सर्वोच्च
भारतीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और आईआईटी रोपड़ संयुक्त रूप से। अगला है 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान मान धन योजना शुरुआत की है रांची झारखंड से। अगला है 12 सितंबर 2019 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित किया, तो भारत। अगला है 12 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन 2019 नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया, रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला है 12 सितंबर 2019 को लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया, तो वरिष्ठ संगीतकार उषा खन्ना। अगला है 13 सितंबर 2019 को वैज्ञानिकों ने किस बहिर्ग्रह पर पहली बार जल वाष्प का पता लगाया, तो K2 18B। अगला है 13 सितंबर 2019 को 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया, रानी रामपाल। अगला है 13 सितंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को दूसरा हवाई चेतावनी विमान सौंप दिया है, उस विमान का नाम है नेत्रा। अगला है 14 सितंबर 2019 को देशभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, तो याद रखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है 14 सितंबर 2019 को अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, भारत ने बांग्लादेश को हरा कर। अगला है 14 सितंबर 2019 को राजस्थान की सूचना के अधिकार अधिनियम की सही भावना में जनता को सरकारी प्राधिकरण और विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से सार्वजनिक सूचना पोर्टल लॉन्च किया, जन सूचना पोर्टल 2019। अगला है 14 सितंबर 2019 को हरियाणा सरकार ने किसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रानी राय सोनीपत का पहला चांसलर नियुक्त किया, कपिल देव को। अगला है 14 सितंबर 2019 को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्टोक्स को। अगला है 15 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये पार्टिसिपेशन। अगला है 15 सितंबर 2019 को देश भर में किस दिवस को मनाया जाता है, तो यह इंजीनियर्स डे, तो याद रखिए 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाया जाता है दिवस। अगला है 16 सितंबर 2019 को गूगल ने डूडल बनाकर किस प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार को याद किया, बीबी किंग को। अगला है 16 सितंबर 2019 को बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, यह लक्ष्य सेन भारतीय। अगला है 16 सितंबर 2019 को 21वीं सदी की 100वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन बन गई, गैंग ऑफ वासेपुर, निर्माता है इसके अनुराग कश्यप। अगला है 16 सितंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, तो यह 32 ईयर एंड हीलिंग। अगला है 14 सितंबर 2019 को बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किसने जीता है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर। अगला है 16 से 29 सितंबर 2019 के बीच किन दो देशों के बीच मैत्री 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया, यह भारत थाईलैंड के बीच मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। अगला है 17 सितंबर 2019 को कहां दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर लोटस टावर का अनावरण किया गया, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। अगला 17 सितंबर 2019 को किन देशों के मध्य नौसेना का पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स 2019 शुरू किया, तो सिंगापुर थाईलैंड भारत। अगला है 17 सितंबर 2019 को आंध्र प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो है पी लक्ष्मण रेड्डी। अगला है 18 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, राजी को। अगला 28 सितंबर 2019 को 20वें आईफा अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया मिला, तो क्रमशः रणवीर सिंह फिल्म है पद्मावत के लिए, आलिया भट्ट फिल्म राजी के लिए। अगला 18 सितंबर 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, अस्त्र का। अगला हमारा 18 सितंबर 2019 को किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया,
मोतीबाग, उत्तराखंड के किसान के जीवन पर आधारित है मोतीबाग। ठीक, अगला है 18 सितंबर 2019 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस हॉरर फिल्म निर्माता का निधन हो गया, तो यह श्याम राम से। अगला है 18 सितंबर 2019 को विदेश में भारतीय मिशन में सैन्य राजनयिक के तौर पर नियुक्त देश के किसी भी सशस्त्र बल की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, विंग कमांडर अंजलि सिंह। अगला है 18 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्ववास दिवस। अगला है 19 सितंबर 2019 को किससे अमेरिका में एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। अगला है 19 अगस्त 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, रॉबर्ट ओ ब्रायन। अगला है 19 सितंबर 2019 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने, राजनाथ सिंह। अगला है 20 सितंबर 2019 को फीफा की ताजा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है, 104वें नंबर। तो फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत फुटबॉल टीम 104वें स्थान पर है। अगला है 20 सितंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया, तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला है 20 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के 5वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। अगला है 20 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाए जाने के कारण किस श्रीलंकाई ऑफ स्पेनर को 1 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजी करने से प्रतिबंध कर दिया, तो है अकीला दलंजर। अगला है 20 सितंबर 2019 को किससे राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया, तो है सोहिनी गांगुली। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस थीम के साथ विश्व शांति दिवस मनाया गया, तो यह क्लाइमेट एक्शन फोर्स 30। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, तेलंगाना सरकार ने। अगला है हमारा 21 सितंबर 2019 को किस पेमेंट बैंक ने भारत भरोसा बचत खाता सेवाएं शुरू की हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला 21 सितंबर 2019 को 92वें अकादमी पुरस्कार हेतु अंतर्राष्ट्रीय फीचर वर्ग में भारत की आधिकारिक विशिष्ट के तौर पर किस फिल्म को चयनित किया है, गली बॉय। अगला है 20 सितंबर 2019 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, बजरंग पूनिया और रवि दहिया। अगला है 20 सितंबर 2019 को चीनी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, स्पेन की कैरोलिना मारिन ने ताइवान की ताई जू एंग को पराजित कर। अगला है हमारा 20 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह फिल्म अभिनेता गोविंदा। अगला है 23 सितंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया अमिताभ बच्चन को। अगला है 23 सितंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ न्यूयॉर्क में। अगला है 23 सितंबर 2019 को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना। अगला है 23 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, सांकेतिक भाषा सबका अधिकार। अगला है 23 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका स्थित होस्टन के NRG स्टेडियम से किस कार्यक्रम में 50,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, हाउडी मोदी। अगला है हमारा 23 सितंबर 2019 को एमी अवार्ड 2019 पुरस्कार के अंतर्गत किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड जीता है, गेम ऑफ थ्रोन्स। अगला है 24 सितंबर 2019 को अमेरिका में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला है 24 सितंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी, पुनुंग डोमिंग। अगला है 25 सितंबर 2019 को पहला कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, न्यूयॉर्क। अगला 26 से 28 सितंबर 2019 के बीच दूसरा भारत सिंगापुर हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया, IIT मद्रास। अगला 26 सितंबर 2019 को यूनाइटेड
नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया? भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को। अगला 26 सितंबर 2019 को किसको अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के पायल जंगी डको को। अगला 26 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व समुद्री दिवस मनाया गया? तो यह समुद्री समुदाय में महिलाओं का सशक्तिकरण। अगला हमारा 27 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि किस सत्र को संबोधित किया? 74वें सत्र। अगला 27 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य। अगला हमारा 27 फरवरी 2019 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को। अगला 27 सितंबर 2019 को मालाबार सैन्य अभ्यास को 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जिसमें भारत, जापान और अमेरिका नौसेना शामिल हुई। जापान के ससेवो शहर के समीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला हमारा 27 सितंबर 2019 को किस देश ने पहली बार पर्यटकों को टूरिज्म वीजा जारी करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। अगला हमारा 28 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान क्रिकेट का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी लांस क्लूज नर। अगला 27 सितंबर 2019 को स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? INS खांदेरी। अगला 28 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? यह विश्व रेबीज दिवस। अगला हमारा 29 सितंबर 2019 को किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर एक क्षुद्र गायक का नाम रखा गया? पंडित जसराज। अगला हमारा 29 सितंबर 2019 को किस विषय के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया? तो माई हार्ट योर हार्ट। अगला 29 सितंबर 2019 को कहां भारत की तीनों सेनाओं ने स्मेलिंग फील्ड नाम से पहला संयुक्त अभ्यास किया है? तो गुजरात। अगला 30 सितंबर 2019 को जारी नीति आयोग की स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहले व अंतिम स्थान पर रहे हैं केरल और उत्तर प्रदेश। पहले पर केरल और अंतिम पर उत्तर प्रदेश। अगला 30 सितंबर 2019 को DRDO ने स्वदेशी उपकरणों वाली किस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। मारक क्षमता है 290 से 400 किलोमीटर। अगला हमारा 30 सितंबर 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला हमारा 30 सितंबर 2019 को आजाद हिंद फौज के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? तो बी गणेशन। अगला 30 सितंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में शाखा खोलने वाली पहली भारतीय बैंक कौन बनी? SBI। अगला 30 सितंबर 2019 को किसने 26वीं वायुसेना प्रमुख के रूप में अपना कारवा संभाला है? RKS भदौरिया ने। कौन है? RKS भदौरिया। चलिए तो ये था सितंबर का करंट अफेयर्स।